हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आइए, आज हमारी जो दूसरी सीरीज है लॉक की, उसमें हम एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आप सबका जो अगली प्रॉपर्टीज हमारी, हमने बताया था कि दो या तीन वीडियो लॉक की लग सकती है आपको आराम आराम से समझाने के लिए, तो इसीलिए हम अपनी जो वीडियो है उसको शॉर्ट बना रहे हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारी जो अगली वीडियो है लॉगरिथम पार्ट टू, जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए, आपके हेल्प के लिए, आप लॉगरिथम या लॉग पार्ट वन #RSP यूट्यूब पे जैसे ही टाइप करेंगे आपको तुरंत हमारी वीडियोज सबसे ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा हमारी पहली वीडियो पे, और उसमें कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछे हैं कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो जो बहुत ज्यादा बेसिक वाला क्वेश्चन जो कि हमको लगा कि हाँ बता देना चाहिए बच्चों को, वो तो हम दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। जो हमारा लॉगरिथम पार्ट वन था उसके डिस्क्रिप्शन में हमने आपको क्वेश्चन की लिंक दे दी थी। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन पे लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, वैसे होगी नहीं, इतना बेहतरीन हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आइए, ये देखिए हमारा जो कि डाउट क्वेश्चन है पहले लेक्चर से, तो उसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉग 1/sin 30 / 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने आपको कहा ही था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन लॉग के बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ हमारे जो दो डाउट क्वेश्चन है इसको हम आपके लिए थोड़ा अलग कर ले, ब्रैकेट में कर ले। सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं, और ये जो हमारी नीचे वाली है ये सरप्राइज है आपके लिए, अभी आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या लिखते हैं। ठीक, उसके लिए ना परेशान रहिए, दो क्वेश्चन पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लॉग 1/sin 30 / 2। ठीक, 1/sin 30 / 2। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक जानकारी है, कक्षा 10 में आपको पढ़ाई गई थी, आप लोग भूल चुके हैं फिर से। और देखिए आपके हेल्प के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज शुरू की थी। ठीक है, उसमें जो लेक्चर 1 है उसका, उस पे आप लोग जाइए, और लेक्चर 1 और 2 अगर मन करे तो लेक्चर 2 भी साथ साथ देखिए। आपके पूरे बेसिक क्लास 10th 11th 12th सब बेसिक आपके उसमें हमने कवर करवाया है। ठीक है, हमारे ही चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में, लेक्चर 1 और 2 आप ध्यान से देखिए, आपको सारे डाउट सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक, अब देखिए बस उसको यहाँ पे फिलअप करना है, पुट कर देना है, और हमारा जो आंसर है वो बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया लॉग 1, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अपॉन में 1 होता है, आपको हम आसान तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का। तो 1/1 कर दीजिए, मतलब जैसे अगर हम 2 लिखें तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है, भगवान। बस वही काम यहाँ पे हमारा 1 करता है कि कोई भी नंबर आप लिखिए उसके नीचे अपॉन 1। जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लिखना है -2, तब तो माइनस दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप 1, 2, 3, 4 सौ तक, हजार तक गिनती लिख डालते हैं, लेकिन कहीं भी आगे प्लस नहीं लगाते, जबकि सब हमारे जो जितने भी डिजिट हैं सब प्लस में रहते हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक उसी तरह से जितने भी नंबर हैं, अगर आप इसको 1/1, 2/1 लिखते हुए 100 तक लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं काट सकता, आपका कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल सही मैनर है, और यह हमारा मल्टीप्लिकेशन सही करने के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बस उसी प्रकार से आपको यहाँ पे साइन या ट्रिग्नोमेट्री वाले वैल्यू जो अपॉन में है उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि हमारी 1/2 है, बेस 2 कर दीजिए, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 ऊपर चला गया, 1 हो गया, बेस 2 हो गया, और जब कोई चीज सेम रहती है तो हमेशा आंसर 1 होता है। ये हमने प्रॉपर्टी आपको पिछले वीडियो में बता दी थी कि
कि जब हमारा यहाँ पे लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू सेम हो तो हमेशा आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा आंसर हमारा वन होगा। तो ये पहला डाउट हमारा क्लियर हो गया। और देखिए दूसरा डाउट हमारा क्या कहता है, दूसरा डाउट हमारा कहता है हमसे कि लॉग फाइव क्यूब रूट बेस रूट फाइव। ठीक, क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा लॉग फाइव और यहाँ पे क्यूब रूट लग गया है बेस फाइव। तो क्यूब रूट में हमने बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से रिवीजन करवा दे, स्क्वायर रूट अगर लगा है तो इसको जब हम हटाते हैं तो लिखते हैं वन बाई टू, और अगर मान लीजिए यहाँ पे थ्री लिखा है क्यूब रूट और अंदर कोई भी डिजिट है तो इसको जब हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, तो बस यहाँ भी वही हम पूरा पैटर्न अपना फॉलो करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो क्यूब रूट है उसको हम क्या कर देंगे। तो देखिए ये सब होमवर्क के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो देख के होमवर्क जरूर लगाएं, तभी इसमें मजा आएगा आपको लॉग पार्ट टू में पहुंचने में। ठीक है, तो देखिए लॉग फाइव और ये जो हमारा बेस फाइव है उसको हमने कर दिया है 1/3। ठीक, अभी हमने आपको बताया क्यूब रूट जब होगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब बेस में कोई भी उसके ऊपर पावर आएगी तो वो 1/ में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, 1/ में चली जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 और अभी हमने बताया जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, तो पहले उस वाले 1 का 1 करिए और यहाँ पे 1/3 कर दीजिए आप। ठीक, अब ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा होगा क्या 3 × log और यहाँ पे 5 और ये 5 3 हो गया। और जब दोनों सेम रहते हैं जहाँ पे log और बेस तो 1 होता है उसकी वैल्यू, जिसके साथ साथ यहाँ पे 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। और log अगर आप एक बार मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन पेन लेने की हाथ में कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारे दोनों डाउट क्वेश्चन थे जो कि हम आपको क्या करवा चुके हैं, बिल्कुल क्लियर करवा चुके हैं। अब देखिए हमारा जो तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों इस वीडियो की आपके लिए प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, जो इस वीडियो में अब हम शुरू करने चल रहे हैं जिसके लिए लॉगरिथम पार्ट टू बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आते थे तो आप इतनी देर का वीडियो स्किप करके आगे डायरेक्ट यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले उस दिन हमने आपको पढ़ाया था लॉग, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एलन। अब देखिए एलन क्या होता है, तो सही सही जो हमारा पूरा लॉग लिखा जाता है वो होता है एलन एक्स बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स बेस 10। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या पढ़ाने लगे आप लॉग पढ़ा रहे थे एलन लेके चले आए, तो ऐसा नहीं है। देखिए लॉग और एलन क्या है, दोनों दोस्त हैं। अब दोनों दोस्त हैं तो अगर दो लोग हैं तो आपस में उनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी, वो अलग तरह से खाता होगा, वो अलग तरह से खाता होगा। ठीक है, वो 10 बजे सो जाए अगर रात में तो दूसरा हो सकता है 9 बजे सो जाए या 11 बजे सोए, तो दो आदमी जब अलग हो गए तो उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी। हाँ, अगर वो दोस्त हैं तो उनकी सोच आपस में मिलेगी तभी वो दोस्त बने हैं, नहीं तो वो दोस्त नहीं बन सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एलन है और यहाँ पे जो लॉग है ये हमारे दोनों हैं दोस्त। ठीक है, अब दोस्त है हमारे तो क्या होगा, तो एलन जो होता है वो हमेशा बेस ई शो करता है और जब वही लॉग के टर्म में चला जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ई है बेस का उसकी वैल्यू होती है 2.303। बस यही इसकी वैल्यू है। और लॉग में लाने के लिए मतलब जब ये लॉग वाला दोस्त एलन वाले दोस्त को अपने घर में बुलाएगा तो वो कहेगा तुम अपना जो बेस ई है उसको हटा दो और ई के पहले क्या कर दो, ई के जगह पे तुम उसकी वैल्यू जो कि 2.303 एग्जैक्टली होता है उसको रिप्लेस करके मेरे यहाँ लेके आओ, तब साथ में मिलकर खाया जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो बस वही कह रहा है। ठीक, तो ये और इसको एक नाम से क्या जाना जाता है बच्चों, तो इसको बेसिकली जाना जाता है नेचुरल लॉ। जो हमारा एलन वाला टर्म है उसको हम लोग नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ध्यान देने वाली बात है कि जब ये हमारा एलन जो है वो बेस ई शो करता है, जब वो लॉग में जाएगा
तो बेस 10 हो जाएगा, बेस 10, बिना बेस 10 हुए और कोई बेस यहाँ पे नहीं हो सकता, ये मान के चलिए मस्ट है, ठीक, बहुत जरूरी है कि लॉग हमेशा बेस 10 में ही शो करेगा, उसके सिवाय नहीं करेगा। लॉग अपनी बेस अलग अलग बदल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉग जो है वो बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5 कुछ भी रख सकता है, लेकिन एलन, जब एलन से लॉग में आएगा तो हमेशा बेस 10 ही रहेगा, हमेशा बेस 10 रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक। तो ये भी डाउट बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। तो हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर उसपे कुछ मान लीजिए क्वेश्चन देखा जाए, तो उसपे क्वेश्चन हमारे, इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और उस तरह कोई बेहतरीन क्वेश्चन या विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, जो कि हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पे बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ln, और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया x के जगह कोई नंबर दे दिया, आपको दे दिया 2, ठीक, और यहाँ पे बेस e कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जब log में कन्वर्ट होगा तभी ये सॉल्व होगा, तो सबसे पहले इसका क्या है, log में आने के लिए क्या है, सबसे पहले अपना कोड लगाएगा, कोड क्या है, आपके मोबाइल वाला नहीं log वाला यार, 2.303, और यहाँ पे log हो गया, ये 2 हो गया, बेस 10 हो गया, हमने आपको 2 बेस 10 पिछले वीडियो में वैल्यू बताई थी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.3010, जो कि अप्रॉक्स में आप 0.3 या 30 तक यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जब लॉग में चला गया तो ये हो जाएगा आपका 2.303, और ये पूरा टर्म जो कि लॉग 2 बेस 10 की हमारी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा 0.30, और यही आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई घर पे अपने कर लेंगे, और इसमें आप फिलअप करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एलन 3 रख रहे हैं, ठीक, एलन 4, एलन 5 कुछ भी रख रहे हैं, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, और आप तुरंत से उसको सॉल्व कर डालेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो कि बेसिक जानकारी, हमारी प्रॉपर्टी 3 जो कि नेचुरल लॉग से जाना जाता है ln x बेस e के नाम से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारा जो है यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है बच्चों, तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमसे कहती है क्या, चौथी प्रॉपर्टी हमारी, log b बेस a, log b बेस ए। तो एक मिनट हमको हमारा किताब खोलने दीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है लॉग बी बेस ए। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली यूज क्या आया, किस लिए ये यूज की जाती है, जो कि हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका यूज आया जब इसके बेस में डिफरेंस हो जाता है, जैसे हम क्या कहना चाहते हैं, log b बेस a इज इक्वल टू 1/ log a बेस b। बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कई बार इसमें फंस जाते हैं, क्वेश्चन में रहता कोई दम नहीं है, बस समझने में थोड़ा सा दम लगेगा, ठीक है। तो देखिए दम हम लगाएंगे और आपको लगाना पड़ेगा, तभी लॉग हम दोनों के समझ में साथ साथ में आएगा। तो देखिए इसमें ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए अभी हम इसमें लिख दें क्वेश्चन, अगर आपको दें क्वेश्चन से ही बच्चों ये हमारा समझ में आएगा कि लॉग 10 बेस 2। अब देखिए लॉग 10 बेस 2 ये क्या है सर जी, लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3010, लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3010 होता है, लेकिन लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी आपने पिछले वीडियो में एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर इस 10 को हम क्या कर लें, स्क्वायर में कर लें, उसके पावर में कर लें, तो 2 × 2 × 2 तीन बार 8 हो गया, और चार बार जब आप करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 10 के मतलब 2 के किसी भी स्क्वायर में हमारा 10 नहीं आएगा, तो वहां से सॉल्व बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें हम ये स्पेशल प्रॉपर्टी लगाएंगे log b बेस a इज इक्वल टू 1/ log a बेस b, कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये log 10 बेस 2 है तब हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं,
लेकिन अगर लॉग 2 बेस 10 हो जाए, उसी को पलट दिया जाए, तो हमको पता है उसके तुरंत हम वैल्यू रखेंगे 0.3010 और उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पे, जब इस तरह का कभी आ जाए कि आपको यहाँ पे सॉल्व ना हो रहा हो, दोनों टर्म अलग अलग हो या एक दूसरे की स्क्वायर या पावर ना बन रही हो। अब आप लोग कहेंगे सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो देख के आनी पड़ेगी, तभी आप इस वीडियो में लिंक बना पाएंगे। नहीं तो अगर हम सब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमारी भी कुछ मजबूरी है कि वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो देखिये इसकी पावर नहीं बन पाएगी, पावर वाली प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में। ठीक, तो देखिये यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको 1/अपॉन में ले लेंगे बच्चों, क्या करेंगे 1/अपॉन में ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 2। ए हमारा जो है, पर यहाँ पे जो हमने पी माना है वो क्या है हमारा पी, पी ये है और ए ये है, लेकिन जब उसको हमने पलटा तो ए ऊपर चला गया, पी नीचे चला आया, तो ये हो जाएगा लॉग 2 बेस 10, लॉग 2 बेस 10। अब इसकी प्रॉपर्टी हमको पता है कि जब 1/log 2 बेस 10 होगा यहाँ पे, तो log 2 बेस 10 क्या होता है बच्चों, तो log 2 बेस 10 होता है 0.30। जब ये ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.33। ऊपर बार लगा दीजिए, नहीं तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ए और बी है वो आपस में पलटी मार देगा जब उसको हम 1/अपॉन के टर्म में लिख देंगे। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी हमसे कहती है, इसका एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या दे रहे हैं कि जो हमारा log 3 सॉरी log 10 बेस 3 की वैल्यू आपको घर से सॉल्व करके लानी है, बस उसको आपको पलट देना है और आपको log 3 बेस 10 की यदि वैल्यू पता है तो आप क्या कर लेंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो पिछली वीडियो में हमने आपको वैल्यू उसकी बताई थी और जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उस लिंक में भी हमने आपको उसकी वैल्यू गिवन की। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चौथी प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गई। पांचवी और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है हमसे, देखिए पांचवी प्रॉपर्टी जो है हमारे बच्चों वो हमसे कहती है क्या, आइए देखते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस c अपॉन log a बेस c। अब देखिए अभी तक हमारा था log 10 बेस 2 पिछले प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, वहां पे 10 था 2 था तो हमने उसको क्या किया log 10 बेस 2 था तो उसको हमने क्या किया log 1/अपॉन में लेके log 2 बेस 10 बनाया। 2 बेस 10 की हमको वैल्यू पता है 0.30, ऊपर ले गए तो आ गए 3.33, आंसर तुरंत आ गया था, यही हमने भी आपको पिछला समझाया था। लेकिन अगर यहीं पे हमारा टर्म आ जाए कोई क्वेश्चन में हमारे कि log 3 बेस 2, तब आप क्या करेंगे, log 3 बेस 2 आ गया तब आप क्या करेंगे, बहुत मान के चलिए क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फंस जाएगा कि ना ये 3 2 का पावर बनेगा ना 2 3 का पावर बनेगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे दिक्कत कर जाएंगे। यदि आप इसको 1/अपॉन में लेते हैं तो 2 आपका ऊपर जाएगा 3 आपका नीचे आएगा, लेकिन ना तो यहाँ पे 2 और 2 मतलब 2 और 2 सेम दिए हैं, नहीं तो जहाँ सेम होता है वहाँ 1 हो जाता है, ना यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, नहीं तो जहाँ भी लॉग में 1 आएगा वहाँ वैल्यू उसके हमेशा आंसर 0 आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपको इसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और वो अलग से प्रॉपर्टी हमारी यही वाली है पांचवी वाली। तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों को अपॉन में करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि दोनों को, जैसे मान लीजिए log 3 को हम ऊपर कर लेंगे और log 2 को हम नीचे कर लेंगे, उसका बेस भी नहीं, उसका बेस नीचे चला गया और जो मेन log है वो ऊपर रह गया, और यहाँ पे सर जी कुछ c भी लिखे हैं, ये इसके प्रॉपर्टी में c क्या दिख रहा है, तो c हम अपने मन से कोई भी बेस ले सकते हैं, हम अपने मन से कोई भी बेस ले सकते हैं, इसमें हम मनमानी करेंगे अपनी, हम अपने मन से कोई भी बेस ले सकते हैं, बस
यहाँ पे क्या होगा, उसका जो कायदा कानून है बेस लेने का, वो ये होगा कि लॉग में भी बेस सेम रहे और बेस में भी बेस सेम रहे, मतलब थ्री वाले के साथ भी सेम बेस लें और टू वाले के साथ भी सेम बेस लें, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी हमने सी और सी ऊपर नीचे दोनों सेम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे आसान बेस क्या पड़ेगा, 10। क्यों 10 पड़ेगा, क्योंकि लॉग 10 हमेशा बेस में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाता है और हमको लॉग 3 बेस 10 लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू पता है, खट से हम उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लिखा इसका बेस और इसका भी 3 की जगह 10 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इसका जो हमारा लॉग 3 बेस 10 होता है इसका वैल्यू हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 0.48। अप्रोक्स में बता रहे हैं, क्लियर वाला 0.4771 होता है, जो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा अपॉन लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू 0.30 अप्रॉक्स में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 31.1 और 0.6 के समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक 1.6 के समथिंग आपका कुछ आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवी प्रॉपर्टी हमारी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। और इस पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम सबका बनता है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें और भी है लेकिन वो थोड़ा बच्चों हाई लेवल का है, ठीक है। क्या है वो, हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। तो एक काम हम ये करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो के स्टार्टिंग में या इस वीडियो के क्या कर देंगे, होमवर्क सेशन में दे देंगे और आप लोग उसको मन करे तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो अगले वीडियो के स्टार्टिंग में हम वो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आप लोग लॉग को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और इससे जुड़े अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे जिससे कि आप लोग इसका एक्सरसाइज आराम से प्रैक्टिस कर ले, ठीक। तो ये वीडियो हम यहीं पे अपनी क्लोज करते हैं। इसके होमवर्क आपको लास्ट में पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम में आप आरएसपी स्टडी पॉइंट जैसे ही हमारा चैनल आएंगे तुरंत आपको वहां पे क्या होगा, हमारा जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया बेसिक, बाकी हम आपको होमवर्क में देंगे और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।